नमस्कार, मैं जिब्रान जरार खान। भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 2 हो गई है। शुक्रवार को दिल्ली में 59 साल की एक महिला ने दम तोड़ दिया जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित थे। हालांकि इसी बीच एक अच्छी खबर ये भी आई है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कोरोना के 7 मरीज ठीक हो गए हैं। इसके अलावा केरल में पहले ही 3 मरीज ठीक हो चुके हैं और वो घर भी जा चुके हैं। इस तरह अब तक देश में कुल 82 कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 10 लोग ठीक हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अभी तक 70 मरीजों का इलाज चल रहा है, क्योंकि 2 मरीजों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस के मामलों की कुल संख्या शुक्रवार को 82 पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि अभी तक देश में कोरोना वायरस के 82 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें केरल के वे 3 लोग भी हैं जिन्हें इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। इसके अलावा दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 7 अन्य लोग भी ठीक हो चुके हैं। हालांकि मंत्रालय ने यह जानकारी नहीं दी कि सफदरजंग अस्पताल में ठीक हो चुके लोग कब तक छुट्टी होगी और वो अपने घर जा पाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पुष्टि किए गए मामलों में 65 भारतीय, 16 इतालवी और 1 कैनेडियन। इन लोगों के संपर्क में आए अन्य लोगों को भी तलाश करने की जांच की जा रही है। अब तक इस प्रक्रिया में 4000 से ज़्यादा लोगों की पहचान की गई है जो कि संक्रमण से ग्रस्त लोगों के संपर्क में आए थे, यानी उनके कॉन्टैक्ट में आए थे। अब इन लोगों को भी निगरानी में रखा गया है। अग्रवाल ने कहा कि प्रमुख और छोटे बंदरगाह पर कुल 25,504 यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसके अलावा लैंड पोर्ट पर 14,00,000 से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हुई है। भारत सरकार ने सामुदायिक निगरानी के तहत कम से कम 42,296 यात्रियों की जाँच की है, जिसमें से 2,500 लोगों में संक्रमण के लक्षण मिले हैं, जबकि 500 से ज़्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें 17 विदेशी नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा 30 हवाई अड्डों पर कुल 10,876 उड़ानों से कम 11,71,000 से ज़्यादा यात्रियों की जांच की जा चुकी है। संयुक्त सचिव ने यह भी कहा कि 3,000 से ज़्यादा यात्रियों में 500 से ज़्यादा संपर्क में आए लोगों की पहचान की गई है। सरकार ने कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित चीन, ईरान और जापान जैसे देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का भी काम किया है। अब तक ईरान में 1,199 नमूनों को एकत्रित किया गया है और परीक्षण के लिए भारत लाया गया है। सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के 4 डॉक्टर की एक टीम रोम भेज दी है। टीम के पास भारतीयों के नमूने एकत्रित करने के लिए पर्याप्त सामग्री भी उपलब्ध है, लेकिन फिलहाल कोरोना वायरस भारत में कहर बरपा रहा है, जिससे अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 70 और 80 के बीच में लोग जो हैं वो इससे संक्रमित हैं। हमने इसलिए ये कहा क्योंकि 10 लोग जो है फिलहाल ठीक होने की खबर आ रही है। हम आशा करते हैं कि जल्द ही जल्द जितने भी लोग इससे संक्रमित पाए गए हैं वो ठीक हो जाएंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग पंजाब केसरी.com।